मामला शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ोत का है, जहां किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2018 में किसानों की फसलें तबाह हो गईं तथा 2019 में भी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिसका बीमा प्रीमियम किसानों के खाते से काटा गया, लेकिन उनको बीमा राशि अभी तक नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को रानी बड़ोत के किसान पोलाय कला तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव के पास पहुंचे तथा उनको बीमा राशि नहीं मिलने संबंधित ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार महोदय से मांग की गई कि जल्द ही हमारी बीमा राशि हमारे बैंक खातों में पहुंचाई जाए, जिससे जो हमारी फसलें बर्बाद हुई हैं उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन किसानों को कुछ सहारा मिलने से उनकी हालत में सुधार आ सकता है। किसानों की मांग पर तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने जल्द ही बीमा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया। आज का ज्ञापन तो हमने दिया है 2018 का, भी हमारा प्रीमियम तो कटी थी और कुछ किसानों के हमारे गांव से ICICI बैंक के माध्यम से जिनका प्रीमियम काटा गया था उनका क्लेम मिल चुका है और अभी तक 2018 का किसी कंपनी ने कोई कारण नहीं बताया कि किस कारण से हमें क्लेम नहीं दिया जा रहा, ना तो 2018 का भी और 2019 का। तो अभी हमने ज्ञापन महोदय को दिया ही है, अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं देखते हैं। अभी आप यहाँ पोलाय कला तहसील में आए हैं, क्या समस्या है? हमारे पिछले वर्ष में जो सोयाबीन खराब हुई थी फसलें, उसका बीमा अभी तक भी हमें नहीं मिला है। इस विषय में हम आदरणीय तहसीलदार महोदय को आवेदन देने के लिए आए हैं कि वो शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें और इस विषय पे जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें बीमा राशि प्रदान की जाए। हर साल हम देखते हैं कि हमारे नियत समय पर हमारे खाते से बीमा की प्रीमियम काट ली जाती है, लेकिन जब बीमा कंपनी को क्लेम देने का समय आता है तो विलंब किया जाता है। जैसे हम आज जो आवेदन हमने सौंपा है वो इस वर्ष की जो फसलें खराब हुई उसके संबंध में बिल्कुल भी नहीं है, वो पिछले वर्ष जो फसलें खराब हुई थी उसके संबंध में है। और मेरा निवेदन है, यदि मेरी आवाज़ शासन तक भी पहुँचे, हमने आदरणीय तहसीलदार महोदय को तो आवेदन दिया ही है इस विषय में, कि यदि किसान की फसल इस बार खराब हुई है तो उसे क्लेम भी इसी वर्ष प्रोवाइड किया जाए, ना कि अगले वर्ष या दो वर्ष बाद में, ताकि वो अपने खर्चे, अपनी फसलों में लगने वाली लागत का जो भी उसका खर्च है वो क्लेम से मिलने वाली राशि से चुकाया जा सके। और ये बहुत बड़ी समस्या है रानी बड़ोत के। 2018 का भी यदि मैं बात करूँ तो हमारे खाते से प्रतिवर्ष प्रति सीजन में प्रीमियम काटा जाता है, लेकिन जब नुकसान होता है, जब क्लेम देने का समय आता है तो बीमा कंपनी समय पर बीमा प्रोवाइड नहीं करती है। अभी हम यदि इस वर्ष में जो 2019 में जो फसलें खराब हुई उसके क्लेम को यदि देखें, बीमा के क्लेम को, तो किसी गांव को दिया गया, किसी गांव को नहीं दिया गया। मेरा विचार ये है कि यदि फसलें पिछले बार खराब हुई, हमारे खाते से प्रीमियम काटा गया, तो हमें पिछले वर्ष ही क्लेम प्रोवाइड किया जाना चाहिए था। यदि इस वर्ष भी यदि हम देखें तो सितंबर में आधे से अधिक गाँवों का क्लेम प्रोवाइड किया गया, लेकिन उसमें भी रानी बड़ोत को छोड़ दिया गया। फिर अभी अगली किस्त नवंबर में, 1 नवंबर को कई गाँवों के खाते में प्रीमियम की क्लेम की राशि प्रोवाइड की गई, लेकिन उसमें भी रानी बड़ोत का नाम नहीं है। हमारा यही निवेदन है शासन प्रशासन से कि वो इस विषय में उचित कार्रवाई करें। संबंध में आपकी क्या? 2019 में फसल बीमा अभी रानी बड़ोत ग्राम में नहीं आया है और उसके संबंध में हमने वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से बीमा कंपनी में संपर्क किया है, तो गाँव उस लिस्ट में शामिल है। बहुत जल्दी रानी बड़ोत के बीमित किसानों का बीमा जो है बीमा कंपनी इनके खातों में ट्रांसफर करेगी बीमा राशि। हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया है और उसकी कार्रवाई भी गतिशील है और जल्दी हमें वहां से फीडबैक मिलेगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।